संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। वेदांत सार में एक छोटी सी व्यवस्था थी, वो हमने देने का प्रयास किया था, भरसक प्रयास किया था, और वो एक रूपरेखा मात्र थी। उसमें हमने बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मसूत्र जिसके बारे में चर्चा करते हैं, ब्रह्मसूत्र है क्या। ब्रह्मसूत्र के हमने बताने का प्रयास किया कि वेदांत जिसको बोला जाता है उपनिषद, उन सभी वेदांतों का एक संग्रह है ब्रह्मसूत्र। चलिए, रूपरेखा उम्मीद है सही से समझ में आ गई होगी। आज से हम सीधे इसमें प्रवेश करते हैं। इसमें दो दृष्टि से प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, बहुत सरलतम पद्धति से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि परीक्षार्थियों के लिए वो विषय थोड़ा सा अछूता रह जाता, कुछ ना कुछ उसमें छूट जाता है, उलझा हुआ सा है थोड़ा सा मामला, वो साफ करने का, एकदम क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और आध्यात्म के भी थोड़े से इसमें पॉइंट देखे जा सकते हैं, वो भी देखेंगे हम। तो वेदांत सार वेदांत सार के बारे में जाना था, ये सदानंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं, वेदांत हमने जाना था थोड़ा सा कि उपनिषदों को जो प्रमाण मार करके चले वो वेदांत है। देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है वेदांतो नामोपनिषद उपनिषद प्रमाणम, ठीक है। आगे भी लिखा हुआ था, इतने से समझ में आता है कि वेदांत वो है, वेदांत का नाम क्या है, जो उपनिषदों को प्रमाण मारे माने। और आगे बोलते हैं ये तद उपकारिणी शारीरक सूतादीनी चा, ठीक है। अब दो चीजें इसमें हो गई, वेदांत किसको कहते हैं, वेदांत नाम किसका है जो वेदों उपनिषदों को प्रमाण मारे, एक तो एक हो गया। फिर कह रहा है तद उपकारिणी, और उसके उपकार करने वाले, किसको उपकार करने वाले, उपनिषदों के उपकार करने वाले। कैसे उपकार किया, शारीरक सूत्रादिनी, शारीरिक सूत्र जो है, शारीरिक सूत्र हमने जाना था, ब्रह्म सूत्र का ही दूसरा ही नाम है। ऐसे उपनिषद, ऐसे ग्रंथ जो उपनिषदों की किसी ना किसी प्रकार से व्याख्या करते हो, उनको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हो, इसमें श्रीमद् भगवद गीता को भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता नहीं, लिया जाता है, ठीक है। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी चा, ये हो गया वेदांत। अब वेदांत सार के बाद में फिर इसमें जो क्रम दिया है वो अनुबंध का दिया है, तो यहां देख लेते हैं हम। अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है, तो यहां एक पंक्ति खींच लें, उसमें फिर हम चारों व्यवस्था देने का प्रयास करें आपको। ठीक है, यहां लिख लेते हैं अनुबंध, अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। अनुबंध का मतलब यहां दिया है, जो वेदांत के जो अनुबंध हैं वही वेदांत सार के भी अनुबंध होंगे, क्योंकि वेदांत सार और वेदांत अलग अलग नहीं है, दोनों ही उपनिषदों को ही प्रमाण मानते हैं, और वेदांत सार इन्हीं वेदांत का सार है, ठीक है। तो इसलिए जो वेदांत के अनुबंध है वही इसके अनुबंध होंगे। तो इसमें कहा गया है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी, संबंध तु अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी, अधिकारी विषय कितने हैं अनुबंध, अनुबंध चतुष्टय अनुबंध चार हैं, प्रथम है अधिकारी, ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है विषय, तीसरे स्थान पर आता है संबंध, और चौथे स्थान पर आता है प्रयोजन। थोड़ा थोड़ा इसमें समझते चलें, कोई भी किसी भी कार्य को करते हैं तो करने से पहले कौन करेगा इस कार्य को, अर्थात उसका अधिकारी कौन है, करने वाला कौन। अधिकारी का सीधा तात्पर्य है, यहां थोड़ा याद रखना, अधिकारी से सीधा तात्पर्य है करने वाला, अर्थात इसको कौन करेगा। तो यहां आ रहा है वेदांत सार, वेदांत सार का अध्ययन करेगा कौन,
इसका अधिकारी कौन है, वेदांत सार के अध्ययन करने का अधिकारी है कौन, इसके बारे में इसमें बताया गया है। विषय, विषय के बारे में बताया गया है कि जो विषय, इसमें विषय क्या दे रखा है, किससे संबंधित विषय, वेदांत सार में कौन सा विषय दे रखा है, ठीक है, और फिर संबंध क्या है, जो विषय दे रखा है उसका अधिकारी से या किसी और से संबंध है क्या, फिर प्रयोजन, आखिर इसका फल क्या है, क्यों अध्ययन करे कोई व्यक्ति, तो अधिकारी इस वेदांत सार का अध्ययन क्यों करे, इसका क्या प्रयोजन है, ये चार चीजें हैं। तो हम चारों चीजों को क्रम से देखेंगे। तो अधिकारी देख लेते हैं पहले, करने वाला कि आखिर कौन व्यक्ति है जो इसका अधिकारी है वेदांत सार के अध्ययन करने के लिए। तो इसमें एक चीज बताता चलूं, जब भी किसी व्यक्ति को करने के लिए कोई कार्य दिया जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपको ये करना है ना, पहले करने वाले कार्य बता दिए जाते हैं। लेकिन यहां वेदांत सार में ऐसा कुछ नहीं बताया, सीधे जो न करने वाले कार्य बताए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, कुछ भागों में विभक्त कर लेते हैं अधिकारियों के करने ना करने वाले, है ना, इनको मैं तीन हिस्सों में बांटने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूं और यहां मैं कोशिश करूंगा आपको सारी बातें एकदम से साफ हो जाए, एकदम मतलब मस्तिष्क में कुछ रहेगा ही नहीं। तो अधिकारी कौन है, इसके लिए तीन होते हैं, नंबर एक स्थान पर रखते हैं न करने वाले कर्म, ठीक है, दूसरे स्थान पर रख लेते हैं हम करने वाले कर्म, और तीसरे स्थान पर रख लेते हैं साधन, तब बातें एकदम साफ हो जाएंगी। अधिकारी वह है, अधिकारी कोई व्यक्ति है, चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कोई व्यक्ति है उससे कहा जाए कि तुमको कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए जो अधिकारी बनाया है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो सभी लोग जब हम समाज में किसी को अधिकारी के रूप में देते हैं या बनाते हैं तो उनको बताते हैं आपको ये करना है, उनको ये नहीं बताते कि आपको ये नहीं करना है। तो यहां वेदांत सार में सबसे प्रमुख स्थान न करने वाले कर्मों की है और वो दो माने गए हैं, काम में, और दूसरे माना गया है निषिद्ध, ठीक है। काम कर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, आपको काम कर्म नहीं करने हैं, वेदांत सार जिसको पढ़ना है वो काम कर्म नहीं करेगा। तो काम कर्म का मतलब काम से बना है, काम का मतलब होता है इच्छा, आपको किसी वस्तु को पाने की जो इच्छा हो रही है और उस वस्तु को पाने हेतु जो कार्य करने हैं वो कार्य आपको नहीं करने। सबसे पहले तो इच्छा को हटा देना है, जब कार्य को हटाएंगे तो इच्छा को हटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर इच्छा रहेगी तो काम तो आप मजबूरी में शरीर को करना पड़ेगा। शरीर एक साधन है, शरीर साध्य नहीं है, शरीर एक साधन है। यदि मेरे मन में इच्छा हुई मैं पत्र लिखूं तो लिखने का साधन कलम है, तो कलम तो हाथ के अनुसार चलेगी, इसकी कोई अपनी स्थिति नहीं है, ये शून्य स्थिति में है। लेकिन इसको कार्य कौन कराता है, हाथ कराता है। अब ऐसे ही शरीर होता है, शरीर को जो साधन की तरह प्रयोग जो करता है वो मस्तिष्क और बुद्धि, मतलब जो इच्छा होती है वो कराती है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि योगा चित्रवृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जो व्यवहार हैं, वृत्तियां हैं, उनका निरोध कर दो तो योग अपने आप से हो जाता है। ज्यादा मस्तिष्क या दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल विचार जो चलते हैं उनको रोक देना ही योग कहलाता है। यहां काम वही है, आपके जो मस्तिष्क में जो नई नई वस्तुओं को प्राप्त करने की, गाड़ी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्वर्ग भी होना चाहिए, अंत में फिर स्वर्ग की इच्छा होती है और कल्प वृक्ष की कल्पना भी कर लेते हैं, वो सारे विचारों को हटा करके जब व्यवस्था बनाते हैं। इसमें कहा गया है काम्यानी काम्यानी स्वर्गादी इष्ट साधनानी, स्वर्गादी इष्ट साधनानी ज्योतिष्टोम आदि नीचा, इसमें बोला गया है, यानी जो स्वर्ग आदि की जो साधन है, यानी स्वर्ग को प्राप्त करना, आदि शब्द इसमें लगाया है, मैं यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने देखा है, लेकिन इससे समय थोड़ा सा ज्यादा बर्बाद होता है, ऐसे समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा मैं। तो स्वर्ग आदि, आदि शब्द लगा हुआ है, अर्थात स्वर्ग आदि एक वस्तु है, उसको पाना है हमको, जिसको आपको पाया जाए, आप पाएं, पाने की कोशिश करें, वो मैं वस्तु के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनित्य वस्तु, वस्तु दो है, नित्य और अनित्य, अनित्य वस्तु के अंतर्गत आता है। तो इनमें बताया गया है स्वर्गादि
इष्ट साधनानी यानी स्वर्गादि इष्ट की जो साधन है कौन सा, ज्योतिष्टोम आदिनी, ज्योतिष्टोम यज्ञ है जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कराया जाता है, तो वो सब कैसे आ जाएंगे, उनको नहीं करना। यदि आप वेदांत सार पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो कर्म छोड़ने पड़ेंगे, स्वर्ग आदि की इच्छा को हटाना पड़ेगा। तो अगर स्वर्ग आदि की इच्छा हट रही है तो जाहिर सी बात है वो सबसे उच्च स्तर की इच्छा है, तो छोटी इच्छाओं को तो हटाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ये कह दिया है। निषिद्ध कर्म क्या है, वास्तव में निषिद्ध कर्म तो कोई करना ही नहीं चाहता, लेकिन जाने अनजाने में वो होते रहते हैं। उदाहरण बहुत विस्तृत मिल जाते हैं हमारे धर्मों में। इसमें तुम्हारे वाल्मीकि जी हैं, वो निषिद्ध कर्म में संलग्न थे। उधर भगवान बुद्ध के समय में अंगुलिमाल डाकू, वो भी निषिद्ध कर्मों में संलग्न था। तो उनको जाने अनजाने वो कार्य करते थे भरण पोषण, जीवन भरण पोषण के लिए, और यहां जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन भरण पोषण के लिए ही किए जाते हैं। वो काम भी हो सकते हैं, वो निषिद्ध भी हो सकते हैं, दोनों ही किए जाते हैं। कोई चोरी करता है, डकैती करता है, लूट करता है, ये सारे निषिद्ध कर्मों के अंतर्गत आते हैं। तो उनको भी हटाना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, तो उसको हटाना, पहले तो समझना है ना कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं। अभी समझा ही नहीं, वाल्मीकि जी ने जब समझा तो उसको छोड़ दिया। अंगुलिमाल डाकू को जब समझ में आ गया कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, तो उसने भी उसको त्याग दिया। तो निषिद्ध कर्म में कहा गया है, निषिद्धानी नरकाद्य अनिष्ट साधनानी, नरक आदि अनिष्ट के जो साधन है, नरक आदि को जो प्राप्त करा दें, वो ऐसे साधन है कौन से, ब्राह्मण हनन आदि नीचा, यानी कि ब्राह्मण जो शब्द लगाया है उसको मृत्यु, यानी ब्राह्मण को मारना, इस प्रकार के आदि इसमें भी शब्द लगाया है, तो उनको मारना नरक को प्राप्त कराता है। अच्छा, यहां एक चीज और बात करते चले, यहां नरक और स्वर्ग की बात करी गई है। नरक और स्वर्ग और कुछ नहीं है, मस्तिष्क है सिर्फ, भौगोलिक स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर जाकर के स्वर्ग मिल जाएगा और नीचे नरक रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारी मानसिक स्थिति है, जिसको करने से मन संतुष्ट होता है, अर्थात विचार को समन होता है, वो स्वर्ग की एक तरह से प्राप्ति का, मन प्रसन्न रहे तो वो स्वर्ग की इच्छा या स्वर्ग की प्राप्ति मान लीजिए उसको, और जहां मन में कष्ट रहे, द्वंद रहे, दुख रहे, वो नरक होता है एक तरह से। तो दो चीजें हो गई, काम में हो गई और निषिद्ध, ये दो कर्म हैं जो नहीं करने हैं। अब फिर बताया उन्होंने कि ठीक है, तो अब हमारे लिए कार्य ये नहीं करने, तो वो अधिकारी हो गया। दो कार्य नहीं करेगा, काम वाले और निषिद्ध वाले, तो वो क्या बन गया, अधिकारी बन गया। न करने वाले, अब करने वाले कर्म कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर आते हैं नित्यानी, दूसरे नंबर पर है नैमित्तिकानी, तीसरे पे है प्रायश्चित्तानी, ठीक है, और चौथे नंबर पे है उपासनानी। बस चार हैं, ध्यान रखना है, नित्यानी, नैमित्तिकानी, प्रायश्चित्तानी, उपासनानी, ये चार कर्म हैं। कौन से कर्म है, करने वाले, न करने वाले दो हैं, काम और निषिद्ध, काम्यानी निषिद्धानी। नित्य से, नित्यानि शब्द बना है, वो नित्य से बना है, यानी रोज प्रतिदिन जो कार्य किए जाते हैं वो नित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कहा गया है नित्यानि, आगे इसमें बोला गया है अकरणे प्रत्यवाय साधनानी, अकरणे प्रत्यवाय साधनानी संध्या बंधन आदिनी चा, है ना, चा लगाए ना लगाए, लेकिन इतना ध्यान रखना है। तो नित्य कौन कौन से होंगे, अकरणे प्रत्यवाय साधनानी, अकरणे न करने पर, जिनको न करने से हानि होती हो, थोड़ा सा ध्यान देना है, जिनको न करने से हानि होती हो, प्रत्यवाय साधनानी कौन से, संध्या वंदन आदिनी, यानी संध्या वंदना, संध्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहां समझ लें, संध्या होता है सूर्य अस्त और सूर्य के निकलने का जो समय होता है वो संध्या का समय माना जाता है। उस समय जो पूजा पाठ किया जाता है उसका नाम संध्या रख दिया गया। सूर्य निकल रहा हो या सूर्य डूब रहा हो, ये दोनों काल संध्या के माने जाते हैं। उस समय जो पूजा पाठ आदि की जाते हैं वो संध्या के अंतर्गत मान लिए गए हैं, ठीक है, उसका पर्यायवाची बन गया है पूजा का ये संध्या। वंदना, ईश्वरी वंदना वगैरह जो भी होती है, तो इनमें भी बोल दिया गया है संध्या वंदन आदिनी, संध्या वंदन आदिनी, अर्थात वह कार्य जिसको करने से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी वैसे होती हो, न करने से और करने से आपको उसमें लाभ ना मिलता हो, जैसे नित्य शौचादि में जाना है,
उससे आपको हानि हो जाएगी नहीं जाएंगे तो, लेकिन जाने से लाभ नहीं होता। तो कौन से में आते हैं, वो नित्य में आते हैं, प्रतिदिन जो कार्य किए जाते हैं, संध्या वंदन आदि नहीं, है ना। नैमित्तिक जो शब्द है वो निमित्त से बना है, अर्थात किसी के निमित्त जो कार्य किए जाए, किसी के निमित्त कुछ पाने हेतु जो कार्य किए जाए। अब यहां पर थोड़ी सी ये विरोधाभासी चले जाते हैं, ये काम्य और निमित्त है ना। यहां कुछ पाने वाले निमित्त, किसी के निमित्त कार्य किए जा रहे हैं, और यहां जो भी काम थे, जो इच्छित थे, उनको निषेध किया गया है, मना किया गया है। लेकिन इसमें आगे बता दिया गया अगली पंक्ति में कि आखिर इससे होता क्या है। तो इसमें कहा गया है नैमित्त कहानी, पुत्र आदि अनुबंधिनी जातिष्टे आदिनी चा आदिनी, पुत्र आदि अनुबंधी अनुबंधिनी, यानी पुत्र आदि की अनुबंध हेतु, अर्थात पुत्र की प्राप्ति हेतु, यहां थोड़ी सी प्राप्ति हेतु ही है। तो जातिष्ट एक यज्ञ होता था, वो ज्योतिष्ट स्वर्ग आदि के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ था, इसमें जातिष्ट यज्ञ है, जातिष्ट है, ठीक है। वो यज्ञ आदि करे जाते हैं तो वो निमित्त के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो वो निमित्त में चले जाते हैं, तो ये कार्य करने वाले हैं। अब आता है प्राश्चित, प्राश्चित पश्चाताप, थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें ज्यादा नहीं है। कोई भी आपने काम किया, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पाप हो जाता है, तो उसको प्राश्चित करना ही प्राश्चितानी कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है पाप क्षय साधनानी चांद्रण आदिनी, पाप क्षय साधनानी, अर्थात जो पाप के नष्ट करने के साधन है, नष्ट करने के जो साधन है, चांद्रायण व्रत आदिनी, चांद्रायण व्रत होता है एक, वो चंद्रमा के हिसाब से भोजन की व्यवस्था करता है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है, तो उसके अनुसार ग्रास की व्यवस्था की गई है। 15-15 दिन का होता है, ठीक है, पूर्णमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या की व्यवस्था के अंतर्गत। तो जो प्राश्चित जो कर्म है, इसमें चांद्रायण आदि व्रत का उदाहरण दिया गया है, जो पाप का नष्ट, पाप को नष्ट करते हैं, तो प्राश्चित के अंतर्गत वो आते हैं। उपासनानी, उपासना, उपासना क्या है, तो इसमें कहा गया है सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार, सगुण ये थोड़ा सा याद रखना है, सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार, इसमें कहा गया है जो सगुण ब्रह्म है उनमें मानस व्यापार रूपाणी, यानी मन रूपी जो व्यापार है उसको लगा देना, सगुण ब्रह्म के अंतर्गत आता है। इसमें एक उदाहरण दिया है शांडिल विद्या आदिनी, अर्थात शांडिल विद्या जो छांदोग्य उपनिषद है एक, उसमें समझाई है वो विद्या, शांडिल विद्या उसमें आई है, तो उसके अनुसार एक उदाहरण है। केवल आपको याद रखना है सगुण ब्रह्म जो है उसमें मन को एकाग्र कर देना ही उपासना के अंतर्गत आता है। उपासना के अंतर्गत हम जो मानते हैं ना मंदिर आदि में, मंदिर में गए और पूजा कर ली और भी कर ली, उपासना की, उपासना में नहीं आती वो। उपासना का सीधा तात्पर्य है आपके मस्तिष्क के विचार कम हो जाएंगे और ब्रह्म से हट करके किसी भी वस्तु में वो नहीं लगेंगे, तो वो उपासना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये कर्म के अंतर्गत हमने चार पढ़े, नित्य, नैमित्तिक, प्राश्चित, उपासना। अब थोड़ी सी और बात यहां समझने की है, थोड़ी सी बात है, जब यहां पर ये मैंने बताया था विरोधाभासी है तो इनको करना क्यों है, जब करना ही नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसमें थोड़ी सी दो पंक्तियां और इसमें वेदांसार में लिखी हुई हैं, नित्यादीनी बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन, इसके दो प्रयोजन होते हैं। अब इनको दो भागों में बांटा गया है, यहां से उपासना अपने आप में अलग है, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं वो बाह्य कर्म के अंतर्गत मान सकते हैं हम, और ये उपासना है ये मानसिक कर्म है, मन से किया जाने वाला। नित्यानि, नित्य, नैमित्तिक, प्राश्चित, ये बाह्य के अंतर्गत है, कहीं ना कहीं हम बाहरी करते हैं, संध्या वंदन भी बाहरी होता है, पूजा पाठ नैमित्त किसी के निमित्त जो किया जा रहा है वो ही बाह्य है, प्राश्चित भी किया जा रहा है, हमने पाप बाहरी किए हैं इसलिए प्राश्चित भी बाहरी करेंगे। उपासना जो है वो मन से किया जा रहा है, मन में ना तो कोई पाप है ना पुण्य है ना कुछ है, केवल मन में चित्त वृत्ति का जो निरोध करना है और ब्रह्म मात्र में एक में ही उसको लगा देना है, इसलिए मानसिक व्यापार है, ये अंतः व्यापार है, अंतः कर्म है। तो इनके लिए अलग व्यवस्था दी है,
इसमें है मुख्य कर्म, मुख्य प्रयोजन, और है अवांतर फल, अर्थात ये गौण होता है, गौण प्रयोजन, ठीक है। ऐसे इसमें इसी के अंतर्गत याद रखना है, ये उपासना के लिए मैंने इसलिए दो हिस्से बांट दिए इसके, मुख्य प्रयोजन। करने क्या, करने का प्रयोजन क्या है, क्यों कर रहे हैं, जब यहां मना कर दिया तो यहां कर क्यों ना, इसके लिए ये दूसरी लाइन भूली गई है, और अवांतर फल या गौण प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन में नित्यादिनी, मुख्य प्रयोजन बुद्धि शुद्धि मुख्य प्रयोजन, इसमें कहा गया है नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जिससे बुद्धि शुद्धि हो जाए, है ना। इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, लिख देता हूं मैं, बुद्धि शुद्धि, इसका परम प्रयोजन। कभी कभी पूछ लिया जाता है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का मुख्य प्रयोजन क्या है, प्रमुख प्रयोजन क्या है, तो याद रखना है बुद्धि शुद्धि प्रयोजन है। और उपासनानितु चित्त एकाग्रता, इसमें भी कहा गया है उपासनानितु चित्त एकाग्रता, अर्थात चित्त की जो एकाग्रता है वो उपासना का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, उपासना नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन हो गया, और उपासना का चित्त एकाग्रता प्रयोजन प्रयोजन हो गया। अब अवांतर फल आता है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का अवांतर जो फल है वो पितृलोक की प्राप्ति है। इसमें कहा गया है पितृलोक की प्राप्ति, और उपासना का अवांतर फल क्या है, इसका है सत्यलोक की प्राप्ति। आगे हम इसमें अध्ययन करेंगे तो बताने का प्रयास करेंगे, इसे विस्तृत रूप से कभी बताएंगे, सत्यलोक और पितृलोक। ये है दो प्रयोजन है इनके, मुख्य प्रयोजन और अवांतर प्रयोजन। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का मुख्य प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि, अवांतर फल या गौण प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति, और उपासना का मुख्य प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता, और उसका गौण या अवांतर फल है सत्यलोक की प्राप्ति। उम्मीद है ये दोनों आपको कर्म सही से समझ में आ गए होंगे। अब समझ में आ गया कि अधिकारी को क्या नहीं करना है और क्या करना है। अब थोड़ा सा हाँ मैं मिटाऊं इसको, ठीक है। अब हम साधन पर चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। साधन में आज इसमें अधिकारी के विषय में कहा गया है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, अर्थात साधन चतुष्टय, साधन कितने हैं, चार हैं, इसको याद रखना है। साधन कितने हैं, चार है। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, जो इन दोनों कर्मों के साथ साधन चतुष्टय से युक्त हो, ऐसा प्रमाता ही अधिकारी है वेदांत सार का। अब साधन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, हालांकि एक ही में दे रखे हैं लेकिन मैं इनको अलग अलग करने का थोड़ा यहां प्रयास कर रहा हूं। नित्यानित्य वस्तु विवेक याद लिख लेते, दूसरा है, तीसरा और चौथा, चलिए लिख देते हैं इसको। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इही मुत्रात फल भोग विराग, दूसरा है यही मूत्रार्थ फल भोग विराग, है ना। तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्वानि। यह है, इसको पूरी एक पंक्ति में ही दिया है मैंने, इसको चार भागों में बांट दिया है। ऐसे दिया है नित्य वस्तु विवेक मूत्रात् फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि, इस तरह से दिया है। अब हमने चार हिस्सों में बांट लिया कि देखिए अब इसमें है क्या, साधन हो गया विवेक, विराग संपत्ति और मुमुक्षुत्व,
ये पुराई, मोक्षित क्या है थोड़ा बताएंगे, इन सबको बताएंगे पूरा डिटेल में। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, विवेक साधन होना चाहिए। कैसा साधन होना चाहिए? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, जो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु दोनों में भेद कर सके विवेक से, वो साधन में आना जाएगा। अर्थात विवेक क्या हो गया ना, वो साधन हो गया। नित्य अनित्य वस्तु के बारे में वो देख रहा है कौन सी वस्तु अनित्य है कौन सी नित्य है। इहमुत्रार्थ फल भोग विराग, इसमें कहा गया है जो इहलौकिक और पारलौकिक, यानी परलोक की और इसलोक की दोनों की फल भोग की से जो विराग हो जाए, विरक्त हो जाए दोनों वस्तुओं से, वो विराग इसमें क्या हो गया, साधन के अंतर्गत। अब थोड़ी सी बात और समझ लें, यहां की और परलोक की, इसलोक की और परलोक की कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं वो बताएंगे अभी। अब कह रहे हैं अगले, संपत्ति कौन कौन सी है, शम आदि षटक संपत्ति, शम दमा उपरति तितिक्षा समाधान समाधि श्रद्धाख्या, समाधान श्रद्धाख्या, इस तरह से बोला गया है। छह संपत्ति मानी जाती हैं, मोक्षित्व मोक्ष इच्छा मोक्षित्वानि, यानी मोक्ष की जो इच्छा है ये सबसे मुख्य है, जो साधन है, साधन ना होते हुए साधन माना जा रहा है। ये सब साधन ऐसे नहीं है बाहरी साधन, सब ये आंतरिक साधन है। अब यहां पर जो भी साधन है वो शरीर की अंतः शक्ति को दर्शाने वाले, विवेक भी आंतरिक है बाह्य नहीं है, सब आंतरिक साधन है। क्योंकि हमको ब्रह्म को पाना है, बाहर की वस्तुओं को नहीं पाना है। बाहर की वस्तुएं बाहर की वस्तुओं के द्वारा साधन बनाकर के ही पाया जा सकता है। लेखन कार्य किसी से किया जाएगा तो लेखन कार्य बाहरी कार्य है तो वो कलम से ही किया जाएगा। मैं यहां बोल रहा हूं, बोलने का बाह्य कार्य है तो बोलने के लिए मुझे इस साधन, शरीर जो है वो बाह्य है, याद रखना। यहां शारीरिक क्रियाएं कुछ भी नहीं बताई उन्होंने, कुछ करना है नहीं करना आपको, क्योंकि शरीर साधन ही नहीं माना गया है। हालांकि इसमें साधन, शरीर नहीं होगा तो हम साधन के रूप में इसमें प्रयोग ही नहीं कर सकते। अंदर की जो चीजें हैं वो शरीर में ही आती हैं, ये ठीक बात है, लेकिन कुछ शरीर की आंतरिक सुविधाएं होती हैं, कुछ बाह्य सुविधाएं होती हैं। बाह्य साधन के रूप में प्रयोग होता है, ये आंतरिक साधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यहां आंतरिक साधन के रूप में ये प्रयोग किया गया है। मोक्ष इच्छा, मोक्ष की जो इच्छा है वो मोक्षत्व है, वो सबसे बड़ा साधन है। कैसे? तीन चीजें होती हैं, कुतूहल होती है, जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है। कुतूहल होती है बच्चों में, आप वो कुछ भी प्रश्न पूछ लेता है और किसी से भी पूछ लेता है और किसी के बारे में पूछ लेता है। तीन चीजें हैं, किसी से भी प्रश्न पूछ लेता है, किसी के बारे में पूछ लेता है और कोई भी प्रश्न पूछ लेता है। तो ये तीन चीजें हैं और उसे आप कोई भी उत्तर दे दीजिए उसी से वो संतुष्ट हो जाता है, खुश होकर खेलने लगता है, तो वो होता है कुतूहल। अर्थात तो कोई खास जानकारी लेने की इच्छा नहीं है, मिल जाए तो ठीक, मिलना जरूरी है बस। आती है दूसरा जिज्ञासा। जिज्ञासा में एक व्यक्ति होता है जिसको कुछ चीजें को जानने की इच्छा होती है, जब तक वो उस वस्तु के बारे में नहीं जान लेता तब तक उसको चैन नहीं मिलता, जान लेता है वह शांत हो जाता है। लेकिन मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिज्ञासा होती है उसके अंदर, जबरदस्त जिज्ञासा होती है, जान लेता है, फिर वो जान जाता है कि यह वस्तु नित्य है, नित्य है, ये अनित्य है। तो अनित्य वस्तु को छोड़ करके जब वो नित्य वस्तु के लिए अर्थात ब्रह्म के लिए साधनों के द्वारा उन चीजों को, यम नियम जो साधन है उनके द्वारा ब्रह्म को पाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देता है, वो मुमुक्षु है। और जो शुरू ना करे, केवल जानकारी ले ले कौन सी नित्य है कौन सी अनित्य है, जैसे हमारे समाज में सब जानते हैं आत्मा अजर अमर में, हर व्यक्ति के बीच अंदर आत्मा है, लेकिन जानते सब हैं, लेकिन कितना जानते हैं ये भी कोई अच्छी बात समझ नहीं आ रही, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। ईश्वर के बारे में सब जानते हैं, ब्रह्म के बारे में सब लगभग जानते ही हैं, लेकिन जानते कैसे हैं, कुतूहल की भांति जानते हैं, जिज्ञासा की भांति जानते हैं ये नहीं पता, मुमुक्षु की भांति नहीं जानते, इतना तो पता है कन्फर्म मुमुक्षु नहीं है। तो ये साधन हो गए, इन साध इन तीनों से मिलकर के जो बनता है वो अधिकारी होता है और वो सारे वेदांत सार को अध्ययन करने की व्यवस्था करता है। अब नित्य अनित्य वस्तु के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं हम। नित्य वस्तु के बारे में बोला गया है, ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है, केवल ब्रह्म नित्य वस्तु है। अनित्य क्या है? ब्रह्म से इतर अर्थात ब्रह्म को छोड़कर इस जगत में कुछ भी है वो अनित्य ही है, ध्यान रखने की बात है। ब्रह्म ही केवल नित्य है, बाकी कुछ भी स्वर्ग हो अमृत हो
ऊपर जो भी चीजें हैं, कल्प वृक्ष हो, अप्सराएं हो, देवताओं, सब अनित्य हैं, केवल ब्रह्म एक ठीक है सत्य है, अर्थात वो नित्य वस्तु है। दूसरे में कहा गया इन्हीं मूत्रार्थ फल भोग। अब इन्हीं मूत्रार्थ के बारे में इन्होंने बोला है वेदांसार में, स्रव वनिता चंदनादीन, स्रव वनिता चंदन, इसके तीन उदाहरण लिए हैं, माला, स्त्री और चंदन। कुछ लोग हैं जो माला को लटकाए फिर रहते हैं कि पंचमुखी है ये, रुद्राक्ष है ये, एकमुखी है, इससे ये फल मिलेगा, इससे अंगूठियों में लगा लेते हैं, रत्न लगा लेते हैं 50 तरह के। आज इसमें देखना, याद रखना, केवल माला से संबंध नहीं, शरीर में जो भी चीज आपने लगाई है कि ये इसके लिए लगाई है, ग्रहों की शांत करने की लगाई है या ईश्वर को प्राप्त करने की लगाई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो श्रव यानी कि माला के अंतर्गत आ जाएंगी सारी चीजें। फिर बोला है श्रव चंदन, यानी आपने चंदन का लेप कर लिया है, वैष्णव संप्रदाय के हैं ये, उस संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय के हैं ये, ब्रह्म संप्रदाय के, पता नहीं कितने संप्रदाय चल रहे हैं भारत में, वो किसी का ऐसे लगता है, किसी का ऐसे लगता है, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, पता नहीं कितने तरीके से ये चंदनों की व्यवस्था की गई है। उन सभी के लिए श्रव चंदन वनिता और जो स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं, यहां वनिता शब्द से थोड़ा सा तात्पर्य बता दूं, जो लोग ब्रह्मचर्य का ढोंग भी करते हैं वो ब्रह्मचर्य तो वो मन में बैठा लेते हैं कि यहां नहीं तो स्वर्ग में हमको अप्सराएं मिलेंगी जो कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। यहां हम अगर त्याग कर देंगे, त्याग इसलिए नहीं कर रहे, दान इसलिए नहीं कर रहे, तो दान के लिए किया जा रहा है, दान इसलिए किया जा रहा है, एक दान करेंगे तो 100 मिलेगा, यानी 100 गुना मिलेगा, इसलिए वहां दान किया जा रहा है, किसके लिए, स्वर्ग के लिए। और स्वर्ग में, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष नाम की कल्पना कर रखी है कि वो जो भी हम चाहते हैं वो इच्छित कर चाहने मात्र से चीजों को दे देता है, वो कल्प वृक्षी कल्पना है, तो इसलिए यहां पर त्याग किया जा रहा है। तो यही मूत्रार्थ अर्थात यहां की जो चीजें हैं, ये तीन चीजों से समझा दिया है उन्होंने, तीन चीजों में सभी चीजें आ जाती हैं। तो याद रखना, जो भी लेपन कर रहे हैं तरह तरह के, जो भी ढोंग कर रहे हैं, वो इसके अधिकारी नहीं है, वेदांत सार के अधिकारी नहीं है, उनको वेदांत सार पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है, अर्थात उपनिषद के पढ़ने के वो अधिकारी नहीं है। वो कर्मकांडी हो सकते हैं, वो मीमांसा पूर्व मीमांसा का अध्ययन कर सकते हैं, उनके द्वारा वो कर्म में चले जाएं और यज्ञ की व्यवस्था करें, ठीक है। यही मूत्रार्थ फल, मूत्रार्थ का मतलब अमूत्र, अमूत्रार्थ अर्थात स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में तीन चीजें मुख्य रूप से मानी जाती है, कल्प वृक्ष माना जाता है, अप्सराएं मानी जाती हैं, और अमृत माना जाता है कि वहां जाकर के अजर और अमर हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। ऐसी व्यवस्था के प्रति जिसका विराग हो जाए, ना तो इस लोक की ना परलोक की, तो ये साधन हुआ विराग का। समाधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली हमने, इंद्रियों से संबंधित है, ठीक। तो ये हमने अधिकारी के बारे में आज थोड़ी सी बातें जानी, आने वाले समय में हम इनको विस्तृत रूप से जानेंगे, समाधि शटक हैं उनके बारे में पूरा जानेंगे, मुमुक्ष के बारे में जानेंगे, समाधान के बारे में जानेंगे, समाधि के बारे में जानेंगे और श्रद्धा के बारे में जानेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ी विषय के और संबंध प्रयोजन के बारे में, क्योंकि इसको आज थोड़ा सा समाप्त करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, क्योंकि वेदांत सार है, इसको अधूरे में छोड़ देना और ना समझाना, ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। मैं तो और सोच रहा था इनको लिख लिख के समझाऊं, लेकिन मैंने देखा कि इसमें समय बहुत ही ज्यादा बर्बाद होगा। तो विषय क्या है, विषय में बोला गया है जीव ब्रह्म एक शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। मैं लिखूंगा नहीं, मैंने बताया ना लिखने से थोड़ा समय बर्बाद होता है। जीव ब्रह्म एक शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, अर्थात जीव ब्रह्म एक है, वो क्या है, शुद्ध चैतन्य है। इस तरह की जो प्रमेयम यानी प्रमेय के बारे में जो बताए, ये प्रमेय माना गया है इसमें। प्रमेय क्या होता है, जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जाए, है ना। तो प्रमाण क्या है इसमें, प्रमाण उपनिषद है, उपनिषदों से प्रमाण लेकर के जिसको सिद्ध किया जाए वो प्रमेयम। तो विषय हमारा समझ आ गया, यानी जीव ब्रह्म एक यानी अभेद, उसमें कोई भी भेद नहीं है, जीव ब्रह्म एक है। लगता जैसे मैं हूं, मैं जीव हूं और ये ब्रह्म है, हम दोनों अलग नहीं है। इसमें आगे आएगा हम ब्रह्मास्मि, वो आगे आएगा महावाक्य के अंतर्गत है। तो तत्त्वमसि, ये दो महावाक्यों के बारे में इसमें बताया गया, हालांकि महावाक्य चार हैं,
चारों वेदों से संबंधित हैं और कहीं कहीं इनको 12 भी दर्शाया गया है, परंतु गिनतियां करने पर वो 11 ही नजर आते हैं। तो इस तरह के महावाक्य हैं। तो इसमें बताया गया जीव ब्रह्म एक्यम शुद्ध चेतन, यानी दोनों में, ब्रह्म में भी और जीव में भी, यदि मैं नष्ट हो जाता हूं तो याद रखना ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्म कब तक ब्रह्म है? जब तक वो विस्तृत है। अगर वो हट जाता है, छोटा हो जाता है, मैं भी अगर इस शरीर को भी, जीव यदि नष्ट नहीं होता तो ब्रह्म भी नष्ट नहीं होता, ब्रह्म नष्ट नहीं होता तो जीव भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म को यहां चैतन्य, यानी चैतन्य को मुख्य माना गया है। चैतन्य का ही विस्तृत रूप जो समष्टि रूप में है वो ब्रह्म है, चैतन्य का ही जो व्यष्टि रूप है वो जीव है। याद रखना, ब्रह्म और जीव वो किसके रूप है? वो चैतन्य के रूप में, चैतन्य है पीछे। तो जीव ब्रह्म क्या हो गए? दोनों एक ही हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम संबंध पर। संबंध क्या है? तो इसमें बोला गया है तद एक प्रमेय से तद प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य, है ना, बोध्य बोधक भावस्य। यानी प्रमेय का, जीव और ब्रह्म के प्रमेय का और प्रतिपादक करने वाले, यानी उनको प्रतिपादक रूपी जो प्रमाण है, प्रमाण रूपी जो उपनिषद रूपी जो प्रमाण है, उनका कैसा संबंध है? बोध बोधक भाव संबंध है। याद रखना, इसमें जो संबंध है कैसा है? बोध बोधक भाव, ये बहुत आता है संबंध, है ना। इसमें पूछ लिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा लिखता चलूं, अभेद। जीव ब्रह्म का कैसा रूप है? अभेद रूप है ना, अभेद संबंध है उसमें। तो उनका जो जीव ब्रह्म का जो प्रमेय है, उसका उपनिषदों के द्वारा जो प्रमाण के द्वारा कैसा संबंध है उसमें? बोध बोधक भाव संबंध है। ठीक, अब प्रयोजन के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी बातें। प्रयोजन में बताया गया है नंबर एक, नंबर दो में दो। तो इसमें बताया गया है तद एक प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, यानी अज्ञान की निवृत्ति सबसे पहले है। प्रमेयगत यानी प्रमेय में जो पहुंची हुई, प्रमेय कौन कौन सी है? जीव और ब्रह्म में जो अज्ञान की, अज्ञान है, अज्ञान के कारण हमें दो नजर आते हैं कि ब्रह्म ये है और जीव ये है, लेकिन वास्तविकता क्या है? शुद्ध चैतन्य है। उसकी अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, उसका मुख्य प्रयोजन है वेदांत सार का। क्या करना है? पहले अज्ञान की निवृत्ति करनी है। फिर दूसरा इसमें दिखाया गया है स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, अर्थात अपने आनंद की प्राप्ति ही, स्वस्वरूप आनंद, अपने जो स्वरूप है, जो उसका आनंद है, उसकी प्राप्ति ही इसका दूसरा प्रयोजन है। तो उम्मीद है कि कुछ बातें मैंने यहां थोड़ी सी रूपरेखा के द्वारा समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें और अधिक से शेयर करें, और हमें यदि थोड़ी सी इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो तो अवश्य बताएं, जिससे हम आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।